तो आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी फेज 12 वैकेंसी के बारे में, जिसमें पोस्ट डिटेल की डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, जिसमें ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास नहीं मांगा गया, जिसमें हर कोई 10th पास 12th पास ग्रेजुएशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें तीनों की पोस्ट है 10th 12th और ग्रेजुएशन। तीनों की डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपके सेंट्रल रीजन की है, जिसमें इतनी कुछ ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, लगभग 6-7 पोस्ट मिली है जिसमें आपके कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। बाकी कोई भी और भी पोस्ट है जिसमें आपके फर्स्ट थर्ड का सर्टिफिकेट मांगा गया, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि फर्स्ट थर्ड सर्टिफिकेट की लगभग और भी लगभग 4-5 पोस्ट है, यानी कि अलग अलग कोड के हिसाब से, तो उसमें आप देख लेना। अगर आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है तो आप उस पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो चलते हैं, जैसा कि आपको कैसे ओपन करना है, तो टेलीग्राम पे आना है आपको स्टडी विद टारगेट टेलीग्राम में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ओपन विद का पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ को ओपन करना है। यहाँ से आपको यहाँ पे एक लिंक देखने को मिलेगी, इस लिंक को यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस साइट पर चले जाएंगे, और इसकी लिंक भी मैं आपको डिटेल में दे दूंगा, जिसकी मैं आपको कॉपी करके टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ। तो इस पे आप सीधे पोस्ट डिटेल की आप साइट पर चले जाएंगे बिना किसी पीडीएफ को ओपन किए हुए। तो चलते हैं, जैसे कि अपन ने पीडीएफ को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपकी फेज कौन सा है, 9th है 12th है 12th है, तो अपने 12th है तो 12th को हम सिलेक्ट करेंगे, और सेंट्रल रीजन के हम देखने वाले हैं। मैंने लगभग है डिटेल निकाल रखी है, वापस आपको पोस्ट यानी कि डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। तो पहली पोस्ट हमारी 15th 5th चॉइस, तो इसमें आपके 15th 5th फर्स्ट पेज में आपका नहीं है। सेकेंड पेज पर चलते हैं, 15th 5th चॉइस, तो ये आपके टीए की पोस्ट है, ये पता नहीं कौन सी, इसको देख लेते हैं। मैंने देखा था पुराने, देखा मैंने सिर्फ इस पर कौन सी ऑनली विदाउट एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है वो मैंने देखा, इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो आपके जॉब लोकेशन आने की, आपको क्या काम करना पड़ेगा, वो आपके यहाँ पे डिटेल दी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी आपके क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है, और मेट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए, बाकी इसमें कोई आपके कुछ भी मांगा गया नहीं है। यहाँ पे नो कोई आपके स्किल टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तो इस पोस्ट में आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी कैटेगरी देख कर इसमें पोस्ट की संख्या कितनी आप जरूर देखना, तो इसमें आपके पोस्ट की संख्या ओनली 3 है, एक ओबीसी की, एक ईडब्ल्यूएस की, और आपके एक यूआर की है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके एससी एसटी वाले तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको सीट पर कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा जो आपके यूआर ओबीसी की कट ऑफ है उसको, बाकी आपके कोई प्रॉब्लम होने वाले नहीं, आप आराम से इसमें फिलअप कर सकते हैं। और अगर इसमें अगर नेक्स्ट देखे तो इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी कि आपको जो कोई भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को आपको पास करना होगा, कोई भी काम है तो उसको आपको क्लियर करना है, मेंटेन रखना, वो आपके इसमें काम रखा गया है। बाकी हम नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं आपका 14th 6th चॉइस, तो यूडीसी की पोस्ट है, इसमें भी आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये सबसे बेस्ट पोस्ट है, इसमें आपके न तो कोई आपके स्किल टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इस पोस्ट पर आप जरूर अप्लाई करना। यहाँ पे पोस्ट की संख्या आपके ओनली 1 है, वो भी आपके ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस वाले इस पोस्ट को जरूर फिल करना, बहुत ही अच्छी है, और इसमें आपके ओनली डिग्री मांगी गई है, यानी कि जिसके ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो वो इसमें आराम से अप्लाई कर सकता है। बाकी आप यहाँ पे वर्क देख सकते हैं, कलर कराने की आपको जो आपके टाइपिंग वगैरह आपके होते हैं वो आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं, 10th 4th चॉइस, तो 10th 4th चॉइस आपके फील्ड है कम लेबोरेटरी अटेंडेंस, इसमें भी आपके 10th पास मांगे गई है, तो मेट्रिकुलेशन आपके देख सकते हैं, और यहाँ पे काम भी आप देख सकते हैं आपको क्या काम करना पड़ेगा, यानी कि आपको साफ सफाई, और आपको ये वर्क आपको साफ सफाई फील्ड एक्टिविटीज आपको करना पड़ेगा, यानी कि साफ सफाई और सभी कार्य को मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा, ये काम आपको देखना है। बाकी इसमें सैलरी भी आपके 56,000 के बीच में, तो यानी कि बहुत ही बढ़िया सैलरी है, इसमें कोई भी आपके स्किल टेस्ट नहीं है। और बाकी इसमें पोस्ट देखें तो पोस्ट आपके इसमें ओनली 1 पोस्ट है यूआर कैटेगरी की, तो आप कोई भी कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपको सिर्फ यूआर की कटऑफ को क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं, 14th 4th चॉइस, तो 14th 4th चॉइस आपके मल्टी टास्किंग स्टाफ की कॉमन कैटेगरी की पोस्ट है, इसमें आपके टोटल पोस्ट आपके ओनली 4 है, यहाँ पे 2 ओबीसी की, 1 ईडब्ल्यूएस की, और आपके 1 यूआर की, और इसमें स्किल टेस्ट आपके नहीं है, और इसमें आपके 10th पास आपका आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके क्या वर्क होगा वर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और MTS लेडी अटेंडेंट यानी कि महिला के लिए वैकेंसी, तो इसमें कोई फीमेल कैंडिडेट है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, तो इसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 12-22। बारह बाईस चौबीस तो ये है 12-22 लैब असिस्टेंट, ये कहाँ से देख लेते हैं। तो इसमें आपके ओनली साइंस सब्जेक्ट, यानी कि जिसके 12th पास है तो उसके अगर साइंस सब्जेक्ट है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है, बाकी इसमें आपके आर्ट्स या फिर कॉमर्स वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको आप देख लेना। और तो इसमें पोस्ट आपके ओनली एक ही है यूआर कैटेगरी की, अब की बार वैकेंसी बहुत कम आई है तो हो सकता है इसमें आपके फॉर्म फिलअप भी आपके कम होने के चांस बनेंगे, क्योंकि इसका प्रोसेस ही इतना लंबा है कि कोई लगभग जो जिनको पता है वो इसमें लगभग फॉर्म फिलअप नहीं करते। और आगे देखते हैं हम 15-7-24। तो बाकी ये भी पोस्ट है पर इसमें आपके ITI मांगा गया है, तो ITI वाले का कोई कैंडिडेट है तो इन पोस्ट को आप जरूर देख लेना। ये भी एक पोस्ट है, यहाँ पे 23 कैसे आ गया, तो आना चाहिए था। तो यहाँ पे आपके देखो ऑनली डिग्री मांगी गई है, तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, यानी कि ग्रेजुएशन, यानी कि इसमें आपको जो आपके CR Resume में जो पोस्ट पोस्ट थी विदाउट एक्सपीरियंस वाली वो मैंने आपको बता दिया, टोटली आपके 3 और 3 4 पोस्ट है, बाकी इसमें ITI वाली थी वो मैंने आपको बता दिया, इसके बाद ITI है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो CR Region के मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट रीजन आपको कौन सी चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट रीजन मेरे हिसाब से आपको लगता होगा NWR, हो सकता है आप इस रीजन की बात करेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट इसके बाद आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक करना आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, तो जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।